नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश टू वंडर में। तो हमारे तकिए अधिकतर इस प्रकार टूटे टूटे हो जाते हैं और उसके अंदर का रुआ टूट जाता है। उस रुए टूटे रुए को या तो हम दुकान से धुनवा के लाएं तो ठीक हो जाते हैं। तो आजकल तो वैसे भी गर्मी है, तो गर्मी में दुकानें ही बंद है, तो इसे हम हाथ से ही धुनेंगे। तो इस प्रकार हाथ से हम तोड़ तोड़ के डालते जाएंगे और पूरा रुआ हम इसी प्रकार कंटिन्यू सारा रुई हम इस प्रकार तोड़ तोड़ के डाल देंगे। पुराने समय में जब ये मशीनी युग नहीं था तो इंसान ऐसे ही हाथ से धुन धुन के रखता था, तोड़ तोड़ के रुए, रजाई, गद्दे, तकिए सब इसी प्रकार भर लिए जाते थे। तो इससे क्या होता था कि हमारे ये रुई हमारी फ्रेश हो जाती है और ताजी हो जाती है, फ्रेश हो जाएगी। इस प्रकार हम धुन धुन के हाथ से धुन के रख लेंगे। तो और इसमें से जो भी कोई कचरा वचरा होता है वो भी सही हट जाता है और इसमें से जो स्मेल कुछ हो थोड़ी बहुत तो वो भी निकल जाती है। इसे धूप पहले धूप में लगा के धूप में रख के और इस प्रकार हाथ से टुकड़े टुकड़े करके रुई को धुन लेंगे और इस प्रकार हम रुई को फ्रेश कर लेंगे। अब हम इस फ्रेश रुई को रजाई, गद्दे, तकियों में भर सकते हैं। तो हम कुशन भरेंगे, कुशन के कवर बना रखे हमने, तो उन कवर के अंदर हम ये रुई भरेंगे। और रुई भरते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि एकसार भरे, पहले कोने में दबा देंगे रुई को और एकसार इसमें प्रेशर लेते हुए रुई का और इसके अंदर भर लेंगे। तो इस प्रकार हमने दो तकिए तैयार कर लिए हैं। इसको हम बंद कर लेंगे, इसे ब्लॉक हो गई रुई और बाहर नहीं निकलेगी। और इसके ऊपर से हम कवर चढ़ा देंगे जो कि अल्लाह हमारे डिजाइन के मुताबिक कोई भी डिजाइनदार कवर चढ़ा देंगे। इस प्रकार आप भी अपने तकियों की रुई धुन के और फ्रेश करके भर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट्स करके बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।